वो लगाए फिर वो भी जलेबी बेचे, पॉलिटिक्स में तो उनका वैसे ही कुछ नहीं हो रहा है। फैक्ट्री में केमिकल मिलता है। राहुल गांधी को कोई एक्सपीरियंस तो है, बात तो रोजगार पे करनी चाहिए, लेकिन ये जलेबी और फाफड़ा वगैरह बात होगा तो फिर कहाँ से कब तक चलेगा। अब इससे ऐतिहासिक के बाद और क्या ही हो सकती है, राहुल गांधी जलेबी की फैक्ट्री। नमस्कार, आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश टाइम्स, पब्लिक तो बोलेगी में आपका स्वागत है। जलेबी जो कि बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबकी पसंद होती है, वही अब आप देखेंगे कि राहुल गांधी ने हरियाणा के अंदर सोनीपत में गुहाना में एक बयान दिया था जनसभा को संबोधित करते हुए कि मैं जलेबी की फैक्ट्री लगाएंगे। तो ऐसे में आइए जानते हैं पब्लिक से कि क्या जलेबी की अगर फैक्ट्री लगाई जाए तो जलेबी का वो स्वाद ले पाएंगे जो वो गर्म गर्म बनती हुई जलेबियों का ले पाते हैं। आइए जानते हैं पब्लिक से। जलेबी जो कि कुरकुरा स्वाद देती है, दो तीन घंटे बाद कहीं ना कहीं जलेबी की वो कुरकुरापन खत्म हो जाता है। नहीं, उसके लिए पैकेजिंग और हाइजीन प्रॉपर होता है वो फैक्ट्री में, लेकिन जलेबी खाई जा सकती है ठंडी, वो ठंडी में भी चलता है, ठंडी से भी जलेबी सही होता है, लेकिन खाने पे जो होता है अपना देसी स्टाइल में ये ढाबे पे सही रहता है या स्टील फूड में सही रहता है। मेन चीज मैडम, आई एम एन एक्स होटेलियर, आई हैव स्टेड अब्रॉड एज वेल, लंदन, आई हैव ट्राइड द मोस्ट एक्सपेंसिव इंडियन रेस्टोरेंट्स टू द मोस्ट चीप इंडियन रेस्टोरेंट्स इन साउथ हॉल, बट जो इंडिया में टेस्ट मिलता है खाने का वैसा टेस्ट आपको बाहर नहीं मिलेगा। जलेबी पैकेजिंग में मिले या फिर स्ट्रीट पे, तो आपको कौन सी ज्यादा अच्छी लगती है? मेरे को स्ट्रीट की ज्यादा पसंद है क्योंकि वो गर्मा गर्म कढ़ाई से निकल रही है एंड वो क्रिस्पनेस है। पैकेजिंग कब पैकेज हुआ, कब कंज्यूमर तक पहुंच रही है चीज, तो उस चीज की कोई गारंटी नहीं होती है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कहते हैं कि वो फैक्ट्री लगाएंगे जलेबी की, उनको बोला लगाएं फिर वो भी जलेबी बेचे, पॉलिटिक्स में तो उनका वैसे ही कुछ नहीं हो रहा है, तो जलेबी बेचे रेडी लगा के, ये बेटर है। फैक्ट्री का क्या मतलब है, इतनी चीजों की फैक्ट्री है, जब हम जाते हैं कोई भी प्रोडक्ट लेने आधी से ज्यादा चीजें एक्सपायरी डेट पहुंची होती हैं। व्हाट इज द पॉइंट व्हेन दिस इज स्ट्रीट फूड, फ्रेश इज सपोज्ड टू बी ईटन एंड हॉट, सो माइट एज वेल सर्व इट हॉट एंड कंटिन्यू द सेम वे, व्हाई स्पॉइल द ट्रेडिशन। मैं को जितनी देर है उतना खा लूंगा। अच्छा, अगर दुकान में नहीं मिल गई तो फैक्ट्री से आएगी तो आप खाओगे? नहीं। क्यों? फैक्ट्री में केमिकल मिलता है। यही जलेबी ये यहाँ ना बना के फैक्ट्री से बन के आए और आपको दुकानों पे मिले, क्या आप खाएंगे? नो, क्योंकि ये फ्रेश मिल रहा है, जब फ्रेश मिल रहा है तो क्यों हम पुराने कब का बना हुआ है मालूम भी नहीं है, क्यों खाएं? कांग्रेस सांसद है राहुल गांधी, वो कहते हैं हरियाणा में जनसभा को संबोधित करते हुए कि मैं जलेबी की फैक्ट्री लगाएंगे जिससे कि वो देश विदेशों में जाएगी और साथ ही 50,000 से ज़्यादा लोग काम कर सकेंगे। तो ऐसे में क्या लगता है कि फिर स्ट्रीट फूड पे जलेबी मिल पाएगी? बिल्कुल मिलेगी, सिर्फ उन्हीं लोग के लिए है, जो बड़े बड़े लोग हैं उन लोग के लिए है वो सब। ये बताओ कि जलेबी बनने के बाद कितनी देर तक ठीक रहती है, कितनी देर तक खा सकते हैं? मतलब आधा घंटा एक घंटा चल जाएगा। और जो फैक्ट्री में बनेंगी जलेबी वो कब तक खा पाएंगे? वो उसका कुछ पता नहीं ना, फैक्ट्री का तो कोई टेस्ट ही नहीं आएगा, हाथ हाथ खाओगे तो आप टेस्ट आएगा, अलग ही टेस्ट आएगा। क्या याद है एक घंटे बाद खराब हो जाती है? नहीं, अगर इनको पैक करके कोई विदेशों में भेजे तो? तो मजा नहीं आएगा, टेस्ट ही निकल जाएगा, आप खुद टेस्ट बेकार हो जाएगा उसका, कुछ चिकन लेकिन कोई है। जलेबी भाई राष्ट्रीय मिठाई है, इसका सारा मजा बिगड़ जाएगा। ये सिर्फ ठेले पे गरम गरम खाने में स्वाद है, एक चाय होती है, आप चाय का टेस्ट देख लो एक घंटे में चेंज हो जाता है। बस इसका है आधा घंटे तक इसका टेस्ट सही रहता है, फिर एक डेढ़ घंटे के बाद इसका टेस्ट बिल्कुल बेकार होगा, ठंडी जैसे कि मैदा खा रहा है, फायदा क्या? कोई खाना पसंद भी नहीं करेगा, एक ही बार खाएगा दोबारा से वो नहीं खा पाएगा दोबारा। जो कस्टमर आते हैं वो गरम जलेबी ही खाना पसंद, जो गरम ही खाते हैं मैडम, ठंडी तो कोई मांगता ही नहीं है, सब गर्म ही खाते हैं, ठंडे तो कोई मांगता ही नहीं है हमसे। आपके पास थोड़ी जलेबी ठंडी बच रखी है और आपने अगर दे दी तो कस्टमर का कैसे रिएक्शन? मैं मना करता भैया, खिसे आता, गुस्सा करता है हमारे पर, भाई आपने ये क्या करा, आज ठंडी दे रहा हूँ मैं। ऐसा भी है कि जलेबी ठंडी होने के बाद दोबारा भी गर्म की जा सकती है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो हमें एक एक करके चलाना पड़ जाती है, उसमें सबके मेल में मिलाना पड़ जाती है, एक एक करके तोड़ लो। फैक्ट्री की बनी हुई जलेबी इस जलेबी से कहीं कंपेयर नहीं कर? नहीं, कभी भी नहीं। राहुल गांधी ने एक बयान दिया है जिसके अंदर ये कहा है कि जलेबी की फैक्ट्री लगाएंगे, तो आपको लगता है जलेबी की फैक्ट्री कारगर रहेगी? नहीं, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि आजकल जितने भी लोग मतलब इस तरह की चीज़ें खाते हैं तो गर्मा गर्म ताज़ी चीज़ें लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब फैक्ट्री में वो पहले मैन्युफैक्चर हो रहा है, फिर उसका पैकेजिंग होगा, फिर आगे उसे मतलब उसको उसके प्रोडक्शन में इतना टाइम लग जाता है कि वो चीज़ ताज़ी नहीं रहती हमारे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, ठीक है ना। अब यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो जलेबी बन रही है, ठीक है ना, निकल रही है, वो निकाल के तुरंत आपके हाथ पे रख रहा है, खा रहे हैं, ठीक है ना। आप 10 किलो लो, 20 किलो लो, वहाँ पे एक प्राइस अलग ही रखा जाएगा, ठीक है ना, कि आपका ये पैकेट है 250 ग्राम का पैकेट है और ये आपका वो पैकेजिंग में होने के बाद क्या होगा, वो 10 रुपये की जलेबी वो आपकी 50 रुपये की, तो वहाँ पर ऑलरेडी वैसे भी कोई नहीं लेगा। तो मैं तो यही मानता हूँ, मुझे नहीं लगता वो चलेगा, फैक्ट्री चलेगी जलेबी की। कुछ बयान पे क्या कहेंगे? नहीं, जो चीज़ें नेचुरल होती हैं उनको आप बदल नहीं सकते, ठीक है ना, जो चीज़ें नेचुरल होती हैं आप उनको
चाह रहे हैं कि बदलना, तो वो चीज़ें बदली नहीं जाएंगी, जो चीज़ें नेचुरल हैं वो नेचुरली ही रहेंगी, ठीक है ना। और ये है डिजिटल डिजिटलाइजेशन है आज के टाइम में, बट इतना भी डिजिटल नहीं होना चाहिए कि आप जलेबी को भी आप पैकेट में डाल देंगे तो ऐसे नहीं चल पाएगा आगे। इन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया? अब उनके माइंड में कुछ चल रहा होगा इस तरह का, वो चाह रहे हैं कुछ अलग डिफरेंट करना, बट जितना डिफरेंट करना चाहेंगे ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा उनसे। आपने सुना होगा राहुल गांधी ने एक बयान दिया हरियाणा के अंदर कि मैं जलेबी की फैक्ट्री लगाऊंगा, तो आपको ऐसा लगता है कि जलेबी की फैक्ट्री अगर लगेगी और जलेबी फैक्ट्री में बनेगी तो क्या दुकानों पे भीड़ कम हो जाएगी? वो तो माल वो कैसे फैक्ट्री में बनवाएंगे, तो वो तो जलेबी ताजी बिकती है, तो हम तो मान नहीं सकते फैक्ट्री लग जाएगी तो जलेबी बिकेगी वहाँ पे। हम लोगों की दुकानदारी कोई खास कम नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या आप जो जलेबी बनाते हैं दुकानों में जो जलेबी बनती है उसके टेस्ट में और फैक्ट्री के टेस्ट में कहीं अंतर होगा? हाँ अंतर रहता है, ताज़ा सौदा होती है तो उसकी अलग रहता है, और फैक्ट्री का माल हो तो अलग रहता है। ये तो एक खाने पीने की चीज़ें हैं तो स्वाद तो बदलेगा वो। तो क्या लोगों को पसंद आएगी, वो स्वाद पसंद आएगा लोगों को, क्योंकि जलेबी की जहाँ तक खाई जाती है वो गरम गरम खाई जाती है। हाँ जलेबी तो गर्म ही खाई जाती है। फैक्ट्री पर इसलिए लगता है कि सस्ता है इसलिए चलेगा, फैक्ट्री वाला तो चलेगा ही नहीं। तो फैक्ट्री अगर लगेगी तो आपको लगता है कि फैक्ट्री लगने के बाद उसमें रोजगार भी मिलेगा और साथ के साथ क्या लोग पसंद करेंगे उस चीज़ को? उन लोगों को पसंद नहीं करेगा। तो राहुल गांधी ने ऐसा बयान क्यों दिया? अब राहुल गांधी दिए हैं तो वो तो गलत दिए हैं। राहुल गांधी ने हरियाणा में एक जनसभा में कहा कि वो फैक्ट्री लगाएंगे जलेबी की। आपको लगता है अगर जलेबी की फैक्ट्री होगी तो क्या ये जो जलेबी बनाते हैं इसमें और फैक्ट्री में कुछ फर्क होगा? सेम वही होगा जो आप बता रही हैं। जलेबी में कुछ फर्क मिलेगा आपको? नहीं बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो आप कौन सी पसंद करेंगे जलेबी खाना, फैक्ट्री की या ये दुकान की? दुकान की। क्यों? दुकान का टेस्ट मीठा उगाड़ा होगा उनका तो मीठा होगा, क्योंकि पहली बार की दुकानदार हमेशा एक्सपीरियंस होता है, रोज बनाता है, वो उसे एक्सपीरियंस है। राहुल गांधी को कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अब बोलने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, देश हमारा स्वतंत्र है, कुछ भी हम बोल सकते हैं किसी के बारे में भी। तो एक तो ऐसे ही रोजगार की कमी है, ऊपर से अगर कोई गरीब आदमी अगर ठेला लगा के अगर जलेबी बेच रहे हैं तो ये तो सीधी सी बात है कि उनका भी रोजगार खत्म किया जा रहा है। फिर तो वो कह रहे हैं कि फैक्ट्री में भी रोजगार मिलेगा, 50,000 से ज्यादा लोगों को रखा जाएगा। तो यहाँ तो देश तक पहुंचाया जाएगा। तो यहाँ से तो 1,00,000 से ज्यादा आदमी ठेला लगाता है, फिर 50,000 और 1,00,000 में नुकसान क्या है तो पता ही है सबको। यहाँ तो हिंदुस्तान में कितने सारे ठेले लग रहे हैं जलेबी के, यहीं आप मार्केट में घूम लीजिए, और वहीं अगर अगर मार्केट अगर आपका ये लगता है फैक्ट्री तो वो स्पेसिफिक सिर्फ एक जगह में लगेगा ना, ना कि हर जगह तो लगेगा नहीं। और क्या आम इंसान उन जलेबियों को पसंद करेगा जो फैक्ट्री से पैकेजिंग आएंगी? वो तो आइडिया नहीं, क्योंकि वो तो बड़े बड़े मॉल में बिकेंगे। और वो जो गर्म खाना पसंद करेंगे या ठंडी? वो तो ठंडी जलेबी कौन खाता मैम, फैक्ट्री से तो फिर ठंडी आएगी। हाँ तो वो फिर समझ रहे हैं, जैसा सर ने कहा स्वतंत्र भारत है, बोलने का सबका अधिकार है, तो कुछ भी बोल के निकल जा रहे हैं और क्या कर सकते हैं। तो जिनको इससे उनके वोट बैंक पे फर्क पड़ेगा या नहीं? अब तो ये वोटर्स ही जाने मैम। आप वोट नहीं देते? हाँ देते हैं, बिल्कुल देते हैं। आपको क्या लगता है ऐसे वोट बैंक बढ़ेंगे या घटेंगे? वैसे तो घटेंगे ही, क्योंकि ये तो कोई बात तो रोजगार पे करनी चाहिए, लेकिन ये जलेबी और फाफड़ा वगैरह बात होगा तो फिर कहाँ से कब तक चलेगा। मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी राहुल गांधी ने हरियाणा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि वो जलेबी की फैक्ट्री लगाएंगे, आपको क्या लगता है जलेबी की फैक्ट्री लगेगी तो क्या होगा? जलेबी की फैक्ट्री है वो तो जो लगाएगा वो लगाएगा, लेकिन उन्होंने किस पर किस वे में कहा था वो तो अब डिपेंड करता है कि उन्होंने किस वे में किसको क्या कहा। अब जलेबी की फैक्ट्री से तो क्या ही हो रहा है। विपक्ष इस पे कहता है कि बीजेपी उनसे डरती है, लेकिन बीजेपी इस बात से जब से राहुल गांधी ने कहा है फैक्ट्री लगाएंगे तब से इस बात पे उन पे तंज कस रही है। आपको क्या लगता है कि जलेबी की फैक्ट्री लगाना मुमकिन है? मुमकिन अब गवर्नमेंट डिपेंड करेगा, मतलब मुमकिन है या नहीं वो तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। डिपेंड करता है कि वो उनकी बातें कौन कैसे क्या समझ रहा है। अब उनको लगता है कि जैसा उन्होंने बोला उसके हिसाब से अगर मतलब जो भी पब्लिक है उनको अगर वो उनकी बात अच्छी लगी तो वैसे उनको वोट देंगे। बट ये जलेबी की फैक्ट्री तो पॉसिबल है नहीं। राहुल गांधी ने कहा है जलेबी की फैक्ट्री लगाएंगे, अब इससे ऐतिहासिक के बाद और क्या ही हो सकती है? राहुल गांधी जलेबी की फैक्ट्री क्यों नहीं लग सकती है? मैं क्या बोलूं इस पे, आप ये तो राहुल गांधी को सोचना चाहिए। आप बताइए जनता क्या कहती है?
जनता को इससे ज़्यादा बेहतर चीज़ों की उम्मीद है उनसे, मतलब हेल्थ है, एजुकेशन है, इस पे इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देना चाहिए, ना कि जलेबी की फैक्ट्री पे। जहां एक तरफ जलेबी पर सियासत छिड़ी हुई है तो वहीं जनता ने जलेबी को फैक्ट्री लगाने वाली बात पे क्या कहा आपने सुना। कैमरामैन अजय वर्मा के साथ रीति शर्मा, यूपीटी टाइम्स। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।